राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। यहाँ पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 2800 से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि लगभग 3000 के आंकड़े को यह छूने वाला है। जिस रफ्तार से ज़्यादा जांचें हो रही है, जिस रफ्तार से यहाँ पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी मिल रही है, उसके हिसाब से वह वक्त शायद दूर नहीं है जब 3000 के करीब पॉजिटिव मरीजों की तादाद पहुँच जाएगी। हर रोज़ 80 से भी ज़्यादा पॉजिटिव मरीज राजस्थान में मिल रहे हैं। अकेले जयपुर की बात करूं तो 850 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं इस दौरान। एक अच्छी खबर यह भी है कि भले ही राजस्थान में 2800 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन करीब 800 से भी ज़्यादा मरीज अब अस्पतालों में ठीक होने लगे हैं और इनमें से करीब करीब 600 मरीजों को, अगर सही आंकड़ा बताऊँ तो 786 मरीजों को इलाज के बाद उनके घर भेज दिया गया है। 90 साल के एक बुजुर्ग ने भी कोरोना को मात दी है, 16 दिन के बाद वे भी ठीक हो गए हैं और उन्हें भी घर भेज दिया गया। राजस्थान के लिहाज से एक और अच्छी खबर सकारात्मक पहलू वाली यही है कि चूरू और बीकानेर, जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद लगातार पहले मिल रही थी, अब वहां पर जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती दिखाई है उसके बाद ये दोनों ज़िले भी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यानी कि पिछले 15-20 दिनों में यहाँ पर कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। भीलवाड़ा में भी कोरोना मुक्त सबसे पहले होने वाला राजस्थान का जिला था, हालांकि बीच में एक पॉजिटिव मरीज मिला, उसके बाद से वहां पर फिर से सतर्कता दी गई है, महा कर्फ्यू लगाया गया है। इस वक्त मैं जयपुर के हवा महल इलाके में हूं, यहीं पर रामगंज का भी इलाका है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का यह इलाका है। कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की सख्ती यहाँ पर आपको साफ नज़र आएगी, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। और ये जो चौपड़ का इलाका है यहाँ पर हवा महल के पास, आम तौर पर यहाँ कदम रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब सभी लोग यहाँ पर शांत हैं। लेकिन ये देखिए, एक बाइक पर 3 लोग सवार होके जा रहे हैं। शायद पुलिस के लिए चिंता वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 3-3, 4-4 लोग एक बाइक पर, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात कही जा रही है ये नहीं यहाँ पर मिल पा रही है। लोगों को समझाने की कोशिश करिए, लेकिन इमरजेंसी की बात कहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी की, और इस तरह से 3-4 लोग एक साथ निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस की भी कोशिश होती है कि यदि कोई मेडिकल की बात कह रहा है तो मानवता के लिहाज से वह ज़्यादा इन लोगों को परेशानी करती है। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में कोरोना का संक्रमण अभी तक लगातार बरकरार है, सभी लोग अपनी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं किसी तरह यह संक्रमण खत्म हो जाए। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, राजस्थान में हर रोज़ अब तक 5000 टेस्टिंग किए जा रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के इक्विपमेंट उसके पास उपलब्ध हो जाएंगे कि 7 से 8 हज़ार मरीजों की या संदिग्धों का हर रोज़ टेस्ट होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जाहिर है, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा हकीकत भी सामने आएगी, और इसी लिहाज से राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी लगातार इस वक्त तो बढ़ती जा रही है। लेकिन पूरी तरह कई जिलों में यह संक्रमण नियंत्रण में है, वे कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।